पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम लोग नासा का API ले सकते थे, ठीक है। नासा का API लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, किस तरह हम लोग वहाँ से डेटा गेट करेंगे वो अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। एकदम सिंपल एज इट इज, एकदम सिंपल रखूंगा इस वीडियो को, मतलब कोई भी बिगनर उसको समझ सकता है। उसको फेच के बारे में पता होना चाहिए। फेच सिर्फ प्रॉमिस रिटर्न करता है, मतलब जो है ना API से रिटर्न, API से डेटा गेट करने में मदद करता है, मतलब API से गेट पोस्ट मारने में मदद करता है फेच। सिंपल से भाषा में यही समझिए फेच। तो हम लोग यहाँ फेच का यूज करेंगे, एक्सियोस का हम लोग यूज करेंगे बाद में, लेकिन आज इसमें फेच का यूज करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए पहले मैं आपको URL बता देता हूँ, कौन URL से हम लोग डेटा को गेट करने वाले हैं। ठीक, पहले तो आपको यहाँ सर्च करना है नासा API, जैसा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। नासा API में सर्च करना है, यहाँ पहला लिंक पर जाना है। इस लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी डालना है, साइन अप को क्लिक करना है, जिस जहाँ पे आपका ईमेल पे एक API की सेंड कर दिया जाएगा, उस API की को हम लोग यूज करेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कैसे सेंड करना है, नहीं देखें तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा ब्राउज API है। अब देखिए आज हम लोग इस वीडियो में इस API की यूज करने वाले हैं, मास रोवर फोटोज, इसको यूज करने वाले हम लोग। इसका बेस URL ये है, ठीक, तो बेस URL ये है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। नहीं तो ये कितना दे रहा है, मतलब 16,000, ठीक, इसको कॉपी करते हैं, नहीं तो सिंपल से चलते हैं। ये लास्ट वाला है page 1 page 2, मतलब कि लिमिटेड डेटा आएगा इस पर, तो इसी को क्लिक करते हैं हम लोग, Ctrl C Ctrl V। अब देखिए अभी कुछ नहीं आएगा, देखिए आ रहा है। अब देखिए ये डेटा क्या आ रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है ना फोटोज के अंदर ID आ रहा है, जो इमेज SRC है, यही हम लोग काम करना है। ये जो इमेज है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। देखिए जो इमेज है इसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक, यहाँ पेस्ट किए, देखिए इमेज आया है, ठीक। ये जो इमेज आया ऐसा ऐसा बहुत सारे इमेज है, मतलब इसमें कितना इमेज है, 20 शायद होगा, इसमें 20 है, 20 इमेज है, मतलब यही हम लोग को URL को गेट करना है। यही जो इमेज SRC मेन हम लोग काम यही है कि जो इमेज SRC है इसको यहाँ से गेट करना है। अब इसको JavaScript से मदद ले इसको गेट करते हैं हम लोग, और इसको एक इमेज टैग के अंदर डिफ के अंदर HTML पेज में हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा ये। देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा, ये जो फोटो है यही सब फोटो वहाँ से आने वाला है, ये जो फोटो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मतलब आज का वीडियो में हम लोग यही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं कि मार्स इमेज यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो इमेज है ये सब हम लोग वहाँ उस API की से, बल्कि सॉरी API की नहीं, API जो URL है वहाँ से हम लोग उसको ले आएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग, चलते हैं कोड एडिटर में, यहाँ आकर index.html फाइल बनाते हैं। फाइल बना लिए, उसके अंदर बॉयलर प्रिंट लगाते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है बॉयलर प्रिंट, बॉयलर प्रिंट काम नहीं कर रहा है, बॉयलर प्रिंट हम उठा के लाते हैं, तो कौन टाइप करने जाएगा। कंट्रोल भी करते हैं, आ गया, इसको बॉडी क्लोज करते हैं हम लोग, बॉडी क्लोज किए और इन नीचे HTML को क्लोज करते हैं हम लोग, एक तो किए हम लोग। अब यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल यहाँ कॉपी करते हैं, क्या हम लोग बनाने वाले हैं, जो मार्स रोवर है, मार्स रोवर फोटोज, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं टाइटल में इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट किए, कंट्रोल सेव किए, चलते हैं लाइव सर्वर में, खोलते हैं इसको कैसा दिख रहा है। मतलब काम कर रहा है, ठीक, हम लोग को बनाना है ऐसा। पहले इसका बॉयलर प्रिंट तैयार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक H2 टैग के अंदर लेते हैं
और इसको पेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पेस्ट किए और एक डीप डॉट मेन लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग इमेज को पेंट कराएंगे। ठीक, कंट्रोल सेव करते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं हम लोग। स्टाइल का लगा हुआ है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसके अंदर देखिए स्टाइलिंग करते हैं और यहाँ पर आकर इसको स्टाइल का कोड हम कॉपी कर लेते हैं, पहले से बना कर रखा हुआ है। मेन यहाँ मोटिव है किस तरह हम लोग को एपीआई को यूज करना है। ठीक, पेस्ट किए, कंट्रोल से सेव किए। अब देखिए ये आ गया इस तरह का। मेन मोटिव है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह से हम लोग डेटा को ले आ सकते हैं, मतलब कि जो एपीआई है उससे डेटा कैसे गेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। जो यूआई है इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसमें। मतलब देखिए अब जावास्क्रिप्ट फाइल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, कैसे लिखे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मेन फाइल होते हैं मेन डॉट जेएस। ठीक, और इसको यहाँ पर बॉडी के ऊपर स्क्रिप्ट के साथ सी मेन डॉट जेएस। ठीक, कंट्रोल सेव करते हैं और चलते हैं जेएस फाइल में। अब देखिए पहले तो हम लोग सेलेक्टर बनाते हैं इस डिव का, ये जो डिव है इसी में हम लोग इमेज को पेंट कराएंगे। वेयर डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट मेन। ठीक, ये हो गया। अब इसमें तो हम सिंपल लगते हैं फेच लेते हैं, और इसके अंदर जो यूआरएल है ना, जो ये बेस यूआरएल है अभी जो हम लोग जहाँ से डेटा को ले आ रहे थे, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट किए। ठीक, यहाँ डेमो की के जगह पर एपीआई की डालना है, इसको हम बाद में करेंगे, अभी इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं, इस सेमी कॉलन को अभी हटाते हैं, डॉट देन जो रिस्पॉन्स जो आया उसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक, इसको किए, एक मिनट इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं यहाँ पर, देन को नीचे लाते हैं। ठीक, फिर इसको डॉट देन डाटा, इसको हम लोग कंसोल में प्रिंट कराएंगे, ये आ रहा है डाटा। कंट्रोल सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। कंट्रोल सेव करते हैं, देखते हैं, अभी देखिए एरर 25 आ रहा है, मतलब कि एरर आ रहा है। ठीक, मतलब जेसन डाटा ही आ रहा है एक तरह का, उसके अंदर एरर में आ रहा है फोटोज के अंदर ये सब चीज़ है। ठीक, मतलब कि अगर फोटोज के अंदर जाएंगे हम लोग तो ये ऐसा रहा है, इस आईडी 0 इंडेक्स पर जाएंगे तो हम लोग को जो इमेज SRC है यहाँ पर मिल जा रहा है, हम लोग को यही चाहिए। अब यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे ये देखते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ डेमो की के जब की अपना लगा लीजिएगा, जो ईमेल पर जाएगा वहाँ पर इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, हम कर जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग उसके अंदर इमेज ओपन कराना है, कंसोल लॉग डेटा को हटाते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लेट आई इन डेटा, और जो पहला फोटोज था
उस इंडेक्स पे चलते हैं फोटोज, मतलब फोटोज इस पे गए हम लोग और इसका कर्ली ब्रशेस ओपन करते हैं और इसमें एक इमेज बनाते हैं img इक्वल टू, अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पर इमेज, ठीक इमेज आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करूँ, इमेज img डॉट src में हम लोग क्या करते हैं, src नहीं सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर इसका src, ठीक, और यहाँ पर इसका वैल्यू देते हैं हम लोग, ये जो आया कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अब थोड़ा देखते हैं कि हम लोग कहाँ से डेटा गेट करना है। देखिए इसमें गए इस फोटोज के अंदर, ठीक, ये जीरो इंडेक्स पे आया, मतलब कि देखिए यहाँ से लेकर ये जीरो इंडेक्स पहुँच रहा है, ठीक, जीरो इंडेक्स पे इमेज डॉट एस आर सी, यहाँ पर जाइएगा तो इमेज मिल जाएगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर जो आई है उसको आई लाते हैं और यहाँ पर उसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ से इमेज एस आर सी कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट किए, कंट्रोल वी कंट्रोल एस सेव करते हैं, देखते हैं इंस्पेक्ट में क्या प्रिंट होता है। कुछ प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पर उसको अपेंड भी कराना पड़ेगा ना, मतलब कि अपेंड चाइल्ड। तो पहले हम लोग डिव का जो सेलेक्टर लिए हैं डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक, इसके अंदर आए और इसके अंदर इमेज को अपेंड कर दिए, कंट्रोल सेव करते हैं। अब देखिए हम लोग का ये इमेज अपेंड हो चुका है, इतना इमेज आ गया, मतलब ये वेरिएबल है बढ़ते करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये फोटो किधर चला गया, नहीं ये आते जाता रहता है, मतलब वेरिएबल है। ये इमेज आया, इसको इमेज को हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक। हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे इमेज मार्स रोवर का जो नासा का एपीआई है, मार्स रोवर जो एपीआई फोटो दे रहा है, उस फोटो को एपीआई के थ्रू हम लोग वेब पेज में कैसे ला सकते हैं। देखिए हम लोग जो जेसन डाटा था पूरा, हम लोग इसको यहीं से ले आए, मतलब आ रहा था जेसन में कन्वर्ट किए फोटोज में, एरे आया एरे का जीरो इंडेक्स पे, इमेज एस आर सी के अंदर है, ठीक, आप लोगों को पता होगा। अब थोड़ा देखते हैं रिकैप, देखते हैं क्या है। देखिए पहले तो इंडेक्स डॉट एचटीएल में गए, बॉयलर प्रिंट लगाएं और यहाँ पे एक एस टू हेडिंग टैग लगाएं, मार्स रोवर फोटोज फिर डिव मेन क्लास दे दिए, और जो इमेज जो स्टाइलिंग है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। मेन मोटिव मेरा ये नहीं था कि स्टाइलिंग कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट में था, जावास्क्रिप्ट में पहले एक सेलेक्टर बना लिए मेन का, सेलेक्टर बनाने का मोटिव ये था कि उसमें हम लोग इमेज को अपेंड करा सकें, बस और कुछ नहीं। और पेज का यूज़ करते हुए एपीआई से डेटा को लिए, डॉट देन लगाए, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल रिटर्न हो जाता है तो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को रिटर्न करा दिया रिस्पॉन्स जेसन में, और जो डेटा पार्ट है डेटा पार्ट को इमेज डॉट इमेज डेटा फोटोज लाए, ठीक, डेटा फोटोज में एक फोर लूप लगा दिए आई से, आई मतलब 0 1 2 3 चलेगा। देखिए 0 यहाँ आई ये काम कर रहा है ना कि आई की जगह पे 0 पे पहले ए आया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आई 2 के लिए चला, यही हो रहा है, आई की जगह पे 0 1 2 आ रहा था, इसलिए डेटा फोटोज यहाँ पर 0 इंडेक्स फिर 1 2 और इसके अंदर इमेज एस आर सी है, वहाँ से फोटो लिए और इमेज जो हम लोग क्रिएट एलिमेंट किए इमेज को वहाँ पर उसका एस आर सी में सेट कर दिए इसका URL और उसको अपेंड करा दिया डिव में, वही हम लोग को फोटो यहाँ दिखने लगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देख लिए किस तरह हम लोग API यूज कर रहे हैं नासा का। आने वाले वीडियो में अगर ऐसा कोई हमको मिलता है नासा का और API जो ठीक लगे, प्रोजेक्ट बनाने में अच्छा लगे, इस पर वीडियो बना देंगे और यहाँ से आप API ले सकते हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और ये जो पूरा सोर्स कोड है ये GitHub पर चला जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह यूज हुआ है और अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, चाहे अपने से सीख सकते हैं किस तरह यूज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा।